मनपाच्या अन्यायकारक घरपट्टी वाढीला स्थगिती मिळविल्याबद्दल आमदार फारुख शाह यांचा धुळेकर नागरिकांनी केला सत्कार। धुळेकर जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न असलेली अन्यायकारक घरपट्टी वाढीला स्थगिती मिळविल्याबद्दल आमदार फारुख शाह यांचा नागरिकांनी शनिवार दिनांक 6 जुलै रोजी आमदार कार्यालयात समारंभपूर्वक सत्कार केला। धुळे शहरातील अन्यायकारक घरपट्टीचा फेरविचार होऊन जुने दराप्रमाणे घरपट्टीची आकारणी करणे बाबतची मागणी आमदार फारुख शाह यांनी प्रधान सचिव यांच्याकडे केली होती। त्यानुसार प्रधान सचिव नगरविकास विभाग यांनी धुळे महानगरपालिकेकडून वाढीव घरपट्टी बाबत अहवाल मागविला होता। आयुक्त धुळे महानगरपालिका यांनी यासंदर्भात अहवाल सादर केलेला आहे, मात्र सदर अहवालातून प्रत्यक्षात काहीच निष्पन्न होत नसल्याने आमदार शाह यांनी यासाठी विशेष बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली होती। मागणीनुसार दिनांक 2 जानेवारी 2024 रोजी प्रधान सचिव नगरविकास विभाग यांच्या दालनात बैठक संपन्न झाली। बैठकीत पुनर्मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत मालमत्ता करात वाढ होणे अपेक्षित असून ज्या मालमत्तांमध्ये क्षेत्र वाढ नाही अशा जुन्या मालमत्तांच्या करात दुपट्टीपेक्षा अधिक वाढ होऊ नये असे निर्देश प्रधान सचिव यांनी दिले होते। मात्र तरीही धुळे महानगरपालिकेतर्फे शहरातील मालमत्ता धारकांना वाढीव घरपट्टीच्या नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत। महानगरपालिकेने शहरातील मालमत्ता धारकांना आकारलेली वाढीव घरपट्टी रद्द करावी म्हणून आमदार फारुख शाह यांनी पत्रांद्वारे वारंवार मागणी केली होती, मात्र प्रशासनाने घरपट्टी वाढ रद्द केली नाही, त्यामुळे महानगरपालिकेने शहरातील मालमत्ता धारकांना आकारलेली वाढीव घरपट्टी रद्द करावी म्हणून बुधवार दिनांक 3 जुलै 2024 रोजी आमदार फारुख शाह यांनी मंत्रालयात सभागृहाच्या पायऱ्यांवर उपोषण सुरू केलं आणि जोपर्यंत शासन घरपट्टी रद्दचा निर्णय घेणार नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहील अशी भूमिका आमदार शाह यांनी घेतली। या आंदोलनाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्काळ दखल घेत आंदोलनस्थळी जाऊन आमदार फारुख शाह यांची भेट घेत मागणी जाणून घेतली। तसेच मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ नगरविकास विभागाचे सचिव डॉक्टर गोविंद राव यांना तत्काळ भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क करून धुळे महानगरपालिकेच्या वाढीव घरपट्टीला स्थगिती दिली। मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन केलेला हस्तक्षेप आणि धुळे महानगरपालिकेच्या वाढीव घरपट्टीला दिलेली स्थगिती यामुळे आमदार फारुख शाह यांनी उपोषण संस्थगित केले। आमदार फारुख शाह यांनी थेट मुख्यमंत्रीमार्फत वाढीव घरपट्टीला स्थगिती मिळविल्याने तमाम धुळेकर जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे, त्यामुळे जनतेने आमदार फारुख शाह यांचा सत्कार करून आभार मानले आहे। या सत्कार कार्यक्रमात ज्येष्ठ दलित नेते हरिश्चंद्र लोंढे, नगरसेविका सुशीला ईशी यांचे पुत्र योगेश ईशी, नगरसेवक सईद बेग, डॉक्टर दीपश्री नाईक, सिद्धार्थ जगदेव, धुळे जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे सचिव सचिन बागुल यांनी मनोगत व्यक्त करून आमदार फारुख शाह यांच्या विकासकामांची प्रशंसा केली। धुळे शहरातील विविध भागांमधून आलेल्या नागरिकांनी बुके, पुष्पगुच्छ, फुलहार देत आमदार फारुख शाह यांचा सत्कार करून त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या। लोग यहाँ पर इतने तादाद में मौजूद होकर मुझे मुबारकबाद देने के लिए यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जनता की समस्याओं का हल करना, उनका निराकरण करना एक आमदार का, एक लोक प्रतिनिधि का पहला फर्ज होता है, उसका कर्तव्य होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमारे अन्ना ने आप लोगों को बताया कि मैं एक साधारण घराने से हूँ, मुझे कोई राजकीय वार्ता नहीं, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से इस वक्त तो मैं नगर सेवक था, मैंने पूरे शहर की मालूमात ली और हमारे शहर के नागरिकों को उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या जरूरत है, इस सब का स्टडी किया। उसके बाद आप लोगों के आशीर्वाद से ऊपर वाले ने मुझे उपमहापौर बनाया। उपमहापौर रहते हुए भी मैंने पूरे शहर के बेहतरीन काम किए। फिर उसके बाद जब मैं आमदार कहकर चुनकर आया, उस वक्त तो मैंने देखा अन्ना, पूरे शहर में मैं मोटरसाइकिल पर फिरकर मैंने जायजा लिया और देखा कि हमारे शहर में विकास कामों की बहुत ज्यादा जरूरत है और मुझे आज के ही दिन से पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ काम पर लगना पड़ेगा, तब जाकर
हमारे शहर की कुछ समस्याओं का हल होगा। मैंने शुरू से काम करना शुरू किया, आप लोगों ने देखा कि पहले जो दो साल थे उसमें पहले तो सरकार जल्दी स्थापन नहीं हुई, उसके बाद सीए और एनआरसी के मामला आए, उसके बाद कोरोना जैसी बीमारी आई और उसमें लॉकडाउन लगा रहा, हमारे सभी कामकाज बंद थे। लेकिन उस वक्त भी मैंने घर में ना बैठते हुए हमारे शहर की जनता को किस बात की जरूरत है उस पर ख्याल दिया, सबको अनाज पहुंचाने का काम दिया। उसके बाद हीरे मेडिकल कॉलेज में जाकर वहां पर एक कोविड सेंटर शुरू करवाया, पीडीआरएल लैब शुरू करवाया, जूनियर सिविल हॉस्पिटल में जाकर वहां पर सबसे पहले मैंने सिविल सर्जन को एक कोविड सेंटर शुरू करने के लिए कहा और उसको ये कहा कि तुझे किस बात की जरूरत हो तो मुझे बता, मैं आरोग्य मंत्री से वो सब मंजूर करा के देता हूँ। हमने दवाओं का भरपूर स्टॉक किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमको ऑक्सीजन प्लांट की सख्त जरूरत है। मैंने उसी वक्त 1.5 करोड़ रुपए अपनी निधि से देकर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया। उसके बाद मैंने देखा मेरे दोस्त है, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया चाय पानी नाश्ते के लिए। उन्होंने इतना शानदार बंगला बनाया था, बहुत शानदार बंगला बनाया, लेकिन वो बारिश के दिन थे तो वहां मजबूरी से हमको हमारी मोटरसाइकिल बाहर खड़ा कर कीचड़ से जाना पड़ा। ऐसा हालत थे हमारे शहर के, इसलिए मैंने पूरे शहर में रास्ते कंक्रीट किए, गटरों का इंतजाम किया, जहाँ हमारे लोगों को पानी की जरूरत थी पानी के लिए मैंने काम किया। ये जो बोलते हैं अटकल पाड़ा योजना, ये योजना को पूरा करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों ने देखा हर वक्त ये लोगों ने कमीशन लेकर जो खासदार और भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक थे ये खामोश बैठ गए थे, लेकिन हमने वो योजना को पूरी किया और पूरे शहर के लोगों को 2 दिन आड़े पानी मिलना चाहिए उसके लिए आप लोगों ने देखा कि पीछे भी मैंने उपोषण किया। अभी 4 महीने आचार संहिता लगने की वजह से हम लोग खामोश थे, लेकिन आप लोगों को मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोगों को हफ्ते में 2 बार तो भी हम पानी देकर रहेंगे, ऐसे हमने प्लानिंग की है। उसके बाद आपने देखा कि जो घर पट्टी जो बढ़ा दी गई थी, ये घर पट्टी को कम कराने के लिए साल भर से हम मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो कमिश्नर है इन्होंने ये कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने इसका ठहराव किया है, तो वो ठहराव हमने वहां मंजूरी के लिए भेजा है। लेकिन मैंने वहां पर गोविंदराज साहब जो हमारे प्रधान सचिव है उनको ये बोला कि ये सरकार को अधिकार है, अगर महासभा में ठहराव आया है तो उसको विखंडित करने का अधिकार सरकार को है, और ये ठहराव को आप विखंडित करके जो हमारे शहर के लोगों को जो घर पट्टी लगाई गई है उसको जूने दर के परमाणे अपने आकरणी करना चाहिए, ऐसा आदेश करो। तो उन्होंने यह आदेश किया था कि जो घर पट्टी की वार हुई है वो डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको भी कमिश्नर ने नहीं माना। और आप लोगों ने देखा कि जिन लोगों की घर पट्टी पहले 900 रुपए आती थी उनको डायरेक्ट 38,000 रुपए आना शुरू की, जिन लोगों को 2,000 रुपए आती थी उनको 40,000 रुपए आना शुरू की। ऐसे काम महानगर पालिका ने किए, इसलिए मैंने वहां पर पहले तारंगिक प्रश्न लगाया, लेकिन मेरा तारंगिक प्रश्न भी उन्होंने रद्द किया, उसको मंजूर नहीं किया। आखिरकार मुझे विधान भवन के पायरी पर बैठना पड़ा और मैंने जब तक यहाँ पर मुख्यमंत्री आते नहीं या तो प्रधान सचिव आते नहीं और ये आदेश नहीं देते तब तक मैं उठूंगा नहीं, ऐसा मैंने विधानसभा अध्यक्ष को मैसेज किया और मैं 2.5 घंटे भूखा प्यासा वहां बैठा रहा। आखिरकार आप सब लोगों के आशीर्वाद से सीएम साहब उधर से आए और सीएम साहब से वहां मिलकर और यह आदेश किया, तुरंत तो फोन किया प्रधान सचिव को कि ये जो घर पट्टी बढ़ाई गई है उसको स्टे लगाया जाए, उसको स्थगिति लगाया जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री साहब ने मुझे अपने कैबिन में बुलाकर मेरे लेटर के ऊपर आदेश करके दिया, वो आप लोगों को मैं अभी एक एक कॉपी आप सब लोगों को बताना चाहूंगा। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो मेरी मांग थी कि जूने दर के मुताबिक घर पट्टी लगाई जाए या उससे ज्यादा से ज्यादा उसको डबल किया जाए, उससे
ज्यादा से ज्यादा दुप्पट करेंगे हम, लेकिन जो इन्होंने बहुत ज्यादा 30% 40% जो बढ़ाई है उसको हर तरीके से मैं आपको ये गवाही देता हूँ कि वो मंजूर नहीं होने दूंगा और हम लोग की जो घर पट्टी है उसको कम कराकर ही दम लूंगा। इतना कहता हूँ और आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग आखिर तक मेरे साथ रहेंगे, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ और अपने दो शब्द खत्म करता हूँ।